सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि सैमसंग के काफी मिड रेंज डिवाइस जो कि हमें मार्च के मध्य में देखने को मिल सकते हैं, तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर काफी सारी वीडियोस बताई हैं कि कैसे कौन से आपको स्मार्टफोन्स जो है हमें देखने को मिल सकते हैं सैमसंग की तरफ से, जो कि हमें जो है काफी एक जल्दी स्मार्टफोन्स जो है मार्च के मध्य में देखने को मिल सकते हैं। वो वीडियो जाकर आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली सैमसंग का एक एम सीरीज का एक बहुत ही नया डिवाइस आने वाला है जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M23 5G। तो ये जो स्मार्टफोन है वो अब तक का सबसे अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो एक बहुत ही बजट कैटेगरी में है, बट इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बहुत ही हाई एंड देखने को मिल जाती है। तो अगर आपने प्लान किया एक बजट कैटेगरी में एक लो बजट कैटेगरी में स्मार्टफोन बाय करने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहां पर सबसे पहले अगर देखें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले का साइज और इसकी बिल्ड क्वालिटी, तो डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 6.4 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको 90Hz का पैनल विद सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ हमें देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले वाइज इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको 90Hz का पैनल देखने को मिलेगा जो कि आपको काफी एक स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। बात करें यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की, तो इसका जो डिजाइन है आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और फ्रंट साइड में आपको एक पंच होल कैमरा देखने को मिल सकता है, बट वो अभी तक कंफर्म नहीं है, शायद इसमें आपको प्रीवियस जैसा ही आपको डिजाइन देखने को मिल जाए। बट अगर बात करें यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर कंफर्म है कि इसमें आपको 90Hz का पैनल देखने को मिलेगा जो कि आपको डिस्प्ले वाइज एक काफी स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर, तो वो हमें काफी बेहतरीन हमें देखने को मिल सकता है। इस बार इसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 750G देखने को मिलेगा, जो कि एक काफी एक अच्छा प्रोसेसर माना जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है वो कम से कम भी 25,000 से लेकर 35,000 तक के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, जैसे कि हमें A52 में देखने को मिला था, A72 में भी देखने को मिला था और OnePlus की सीरीज में भी हमें ये जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बट इस बार आपको सैमसंग के एक लो बजट कैटेगरी में सेम प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसके कारण इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पर रैम वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको 6GB रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो अगर आपने प्लान किया एक बजट कैटेगरी में गेमिंग स्मार्टफोन बाय करने का, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन का कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको 48MP का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा, 5MP का माइक्रो और एक 5MP का ही डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर आपको 4K at 30fps की वीडियो रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। तो कैमरा वाइज 48MP के साथ काफी अच्छी फोटोस आ सकती है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 750G देखने को मिलता है, जो कि एक काफी इमेज प्रोसेसिंग के लिए काफी एक अच्छा प्रोसेसर है, तो इसमें आपको काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी देखने को मिल सकती है। बात करें यहाँ पर सेल्फी कैमरे की, तो वो हमें 32MP का देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की लार्ज बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 25W चार्जिंग स्पोर्ट देखने को मिलेगी। सो ये थी कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि हमें सैमसंग गैलेक्सी M23 5G की देखने को मिलती है। बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस और इसकी लॉन्च डेट के बारे में, तो लॉन्च डेट की अगर हम बात करें, तो ये जो स्मार्टफोन आपको मार्च के मध्य में देखने को मिल सकता है। प्राइस की अगर हम बात करें, तो ये जो स्मार्टफोन आपको 18,000 का हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या ये डिवाइस 18,000 में वैल्यू फॉर मनी है? तो बेसिकली मेरे हिसाब से काफी एक वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो एक बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 750G, जो कि काफी अच्छी गेमिंग कर देता है। तो आपको डेफिनेटली इस स्मार्टफोन के लिए जरूर से वेट करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर और प्रेस जरूर करना, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।